सो ये पेड़ ऐसे टूट रखा है, ये ऊपर से ये जो ऊपर का तार था ना वो टूट रखा है। खैर खंभे में तो कोई पुल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रखी है, लेकिन तार टूट रखा है इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका ब्लॉगर निशा पे। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ला रही हूँ ब्लॉग, वो भी घर के। घर के तो क्या, मतलब थोड़ा बहुत ही जितना भी दिखा पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना लाइट नहीं है, लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ। सो अब मैं जाने भी लग गई हूँ और मेरे हाथ में रहा मेरा चार्जर, तो मैं चलती हूँ फ़ोन चार्ज करने के लिए भी। उसके बाद तो फिर 9-10 बजे के बाद ही लाऊँगी मैं अपना मोबाइल, तो फिर चलते हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ का मॉर्निंग का व्यू। धूप आने लग गई है आजकल, तो धूप 7-8 बजे तक आ जाती है। इतना बड़ा सूखा पेड़ टूटा है चाची के मकान के इस साइड पे। शुक्र है कि बच्चों को या किसी को कोई चोट नहीं लगी, वो सब अंदर ही थे उस टाइम पे। तो इतने तार सारे टूट चुके हैं इस पे। तो अभी एक पेड़ और है इधर सूखा हुआ, तो अभी खतरा ही हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तार तो वैसे सारे टूट रखे हैं, तो आप देखते हैं कब तक आती है लाइट। सो मैंने आपको दिखा दिया प्रॉब्लम भी, तो आप चलते हैं। तो अभी मैं आई हूँ अपनी पिंकी बहन के इधर, अपनी पिंकी सिस्टर के इधर चार्ज करने के लिए। तो हमारी है पिंकी, वैसे प्रियंका बोलते हैं, प्यार से हम सब लोग पिंकू बोलते हैं। तो अब मैं मोबाइल को चार्ज कर लेती हूँ यहाँ पर इनके इधर, तो अब ले जाऊंगी बाद में। तब से अपनी जिम्मेदारी इसको दे देती हूँ। सो गाइस, अब मैं फोन भी लेकर आ गई हूँ चार्ज करके, और मैं लाइट यहीं गोबर, और जो पीछे देख रहे हो वहाँ पर हमारा खेत है, तो मैं वहीं गोबर लेकर आई थी। तो आप चलते हैं घर को, वैसे लाइट आ जाएगी शाम तक, तो देखते हैं फिर। ठीक करने वाले तो आए हैं, आ जाती तो सही होता, क्योंकि बिना लाइट के भी क्या ही होता है ना। तो अब चलते हैं घर। इधर मम्मी किन्नू के लिए सूखा और हरा घास मिक्स कर रही है। इधर मैंने मेथी के पत्ता और तेज पत्ता सुखाने के लिए डाला। अभी बज गए हैं दिन के 12:30 और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। सो आज मैंने काटना है मेथी। वो क्यों काटना है वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले काट लेते हैं मेथी। मैं ना बहुत देर से ढूंढ रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैं इतना बड़ा कट्टा लेकर आई हूँ मेथी काटने के लिए, और ये रहने दरा दूँगी। तो इसी से मैं काटूँगी मेथी। वो क्यों काटूँगी बताती हूँ। तो ये रहा मेरी मेथी, अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये, तो आप सबसे पहले इसको काट देती हूँ मैं। सो मैंने इतनी सारी मेथी भी काट दी है अभी खेत में से, मतलब तो मैंने थोड़ा ही काटा है इतना। ये जो बाकी का बचा हुआ ये बाद में काटेंगे। और मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैं मेथी क्यों काट रही हूँ वो भी इतनी सारी करके। तो सबसे पहले आप ले चलते हैं इसको बाहर बरामदे में, और बाकी लोग कहाँ हैं करके सोच रहे होंगे। तो बाकी लोग सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूँ बाहर जो काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि वैसे भी मुझे दिन को नींद नहीं आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम कर दूं। तो आप चलते हैं। सबसे पहले ना मेथी को छांटती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा घास हो रखा है। तो ऐसे मेथी को एक एक करके छांटते हैं, क्योंकि इसमें घास है इस वजह से। अब मैं मेथी को काटने भी लग गई हूँ। क्या आप देख सकते हो हमारी किन्नू को ना प्यास लग गई है शायद, तो आप उसे पानी दे देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। धूप से ना आग भी नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है। इतनी सारी धूप लगी हुई है आजकल, और अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो अब मैं किन्नू के लिए पानी भरने लग गई हूँ इधर।
और अब मैंने मेथी भी काट दी और इतना सारा घास निकला इसमें से। मेथी काट के ना मैंने धूप में सुखाने के लिए भी डाल दिया है। मैं भी काफ़ी देर से धूप में ही बैठी थी, मेथी काट रही थी। वो मेथी इसलिए काट रही थी ना सुखाने के लिए, बाद में ना जैसे ये गर्मियों के सीजन में ना तो इसकी मतलब झोई भात बनाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मतलब आलू और मेथी की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। अभी जैसे कि काट देंगे ना और सुखा देंगे काट के, तो फिर स्टोर करके रख देते हैं हम लोग इसको। तो इसी वजह से आप थोड़ी देर बैठते हैं रूम पे, क्योंकि बाहर बहुत धूप लगी हुई है। तो मैं आपको मिलती हूँ आप थोड़ी देर में। तो आज है नींबू पार्टी, तो इसका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब इसको छीलते हैं तो इतना छोटा सा हो जाता है ये। तो मुझे दिया था किसी ने, तो मैंने सोचा आज यही बनाते हैं, तो मैंने सारे छील लिए हैं। अब मैं और मेरी सिस्टर ने इसके छोटे छोटे पीस बनाने लग गए हैं। चटनी मेरी बहन ने पीसी थी, तो अब बनाने लग गए हैं। अब सब चीनी और चटनी मिक्स करेंगे इसमें, फिर तो आप इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है ना, तो अभी चीनी भी डालते हैं इसमें। चीनी तो खैर वैसे भी डालते हैं, चीनी और चटनी, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। गर्मियों में ना ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब गर्मियों में कहाँ मिलता है, ये ख़त्म हो चुके हैं सारे। इधर मेरी ताई और सिस्टर ना ओखल कूट रहे हैं। सो गाइस, अब मैंने ना रोटी बनाने की तैयारी भी कर ली है, यानी कि मैंने आटा गूंथ दिया है। तो मैं आज गेहूं की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कल ना मेरा शिवरात्रि का फास्ट होगा इस वजह से। तो शिवरात्रि के फास्ट के दिन ना मतलब उससे पहले दिन भी शुद्ध खाना खाते हैं, इसलिए मटर की रोटी को ना गाँव में हमारे यहाँ पे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए मैं आज गेहूं की रोटी बना रही हूँ, और सब्जी में भी मैंने ना आज शुद्ध सब्जी बनाई है। पहले मेरी सिस्टर ने क्या किया था वो बताती हूँ। पहले ना उसने प्याज डाल दिया था सब्जी में, मैंने उसको जबकि 2-3 बार कहा था, लेकिन वो भूल गई थी, तो उसने प्याज अलग फिर नहीं बनाया। इसको आप कल कुछ बनाएंगे तब यूज होगा ये। तो फिर दोबारा सब्जी बनाई उसने, मतलब दोबारा से दूसरे कढ़ाई में। तो इसमें धुन डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे इसको धुंआर बोलते हैं। तो ना इसमें धुंआर डाल रखा है हम लोगों ने, यानी कि धुंआर के पत्ते। वो शुद्ध होता है व्रत के दिन या व्रत रखने से पहले दिन भी ना शुद्ध खाना खाना चाहिए। धुंआर डाल के फिर बनाई कुमकुम ने इसमें सब्जी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने किचन की लिफाई पुताई क्यों नहीं की, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार के दिन ना फास्ट रखती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन ना हम लोग लिफाई पुताई नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उस दिन फास्ट रखती हूँ इस वजह से। तो आज घर में लिफाई पुताई नहीं हो रखी है, सिर्फ झाड़ू लगता है हमारे उस दिन। तो अब मैं सबसे पहले रोटी बनाती हूँ। अब मेरी रोटी भी बनने लग गई है, अब रोटी बना भी ली है मैंने। तो सो गाइस, अब कर लेते हैं डिनर, क्योंकि ना वैसे भी आज काफी ज्यादा टाइम हो गया है, 8:30 बज गए हैं। तो सो गाइस, मैंने तो एक बात आपको बताई ही नहीं, वो ये है कि ना लाइट आ गई थी 11:30 बजे। सो कल का ना मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी जो मैंने अंधेरे में बनाया था, एडिट करके मैं उसको भी इसमें ज्वाइन करूंगी। पहले के लोग कैसे दिन गुजारते होंगे, मैं कल यही सारी चीजें सोच रही थी। तो सो आप सबसे पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। अभी बज गए हैं 9:00 और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। और आज जैसे कि ना मैंने कल लाइट नहीं आई थी तो उसकी वीडियो बनाई थी। पहले के लोग बिना लाइट के कैसे रहते होंगे, ये सब कुछ मैं सोच भी रही थी। तो मैं वो भी ना इसमें एडिटिंग करूंगी। बिना लाइट के ऐसे रोटी बना रही थी, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उधर कैंडल जला हुआ था। बिना लाइट के तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी। ऐसी बना रही हूँ मैं रोटी भी। पहले के लोग कैसे रहते होंगे, ऐसे सोच रही थी मैं। और अभी मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। बाघ का कितना खतरा है इधर है बिना लाइट के। लाइट क्यों नहीं आई हो तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। तो बिना लाइट के ऐसी स्थिति रहती है, बाकी गांव में तो हर जगह लाइट थी, सिर्फ हमारे इस साइड को नहीं थी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी निशा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो इस वजह से, थैंक यू सो मच, वो भी मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से। सो मैं निशा आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।